22 अप्रैल वर्ष 1921 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दिया। बोस ने अपना इस्तीफा राज्य के सचिव एडविन मोंटेगू को दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा नाम भारतीय सिविल सेवा में प्रोबेशनर्स की सूची से हटा दिया जाए। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए इस्तीफा दिया था। इतिहासकार लियोनार्डो ए गॉर्डन का कहना है कि बोस को अगस्त 1920 में आयोजित प्रतियोगी ICS परीक्षा में चौथा स्थान मिला था। 22 अप्रैल वर्ष 1870 को लेनिनवाद के जनक व्लादिमीर लेनिन का जन्म रूस के सिम्बिरस्क में हुआ। इनका वास्तविक नाम उल्यानोव था। ये एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और एक विचारक थे। लेनिन ने मार्क्सवाद के आधार पर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उनके नेतृत्व में वर्ष 1917 में रूसी क्रांति हुई। मार्क्सवाद से प्रेरित लेनिन ने समाज और दर्शन शास्त्र पर अपने विचारों से रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया और उनकी यह विचारधारा लेनिनवाद के नाम से जानी गई। लेनिन के नेतृत्व में हुई रूसी क्रांति के बाद ही वर्ष 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई। 22 अप्रैल वर्ष 2010 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बोइंग X-37 को लॉन्च किया। यह मानव रहित एक रोबोटिक अंतरिक्षयान था। इसे एक प्रक्षेपण वाहन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। बोइंग X-37 को ऑर्बिट टेस्ट व्हीकल के रूप में भी जाना जाता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा से प्रवेश करता है और रनवे पर एक विमान की तरह लैंड करता है।